पहली बड़ी खबर आ रही है। पहली बार पेट के अंदर ही बच्चे की सफल सर्जरी को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक मेडिकल साइंस समय के साथ किस तरह से प्रगति कर रहा है, किस तरह से कामयाब हो रहा है, इसका हालिया उदाहरण अमेरिकी डॉक्टर की टीम ने पेश किया है। बताया गया है वहाँ 34 सप्ताह के 2 दिन के गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की सफल सर्जरी की गई है। आसान शब्दों में कहें तो बच्चा पेट के अंदर ही था, उसकी उम्र पेट के अंदर 34 सप्ताह हो चुकी थी, तो पेट के अंदर ही पैदा होने से 2 दिन पहले बच्चे के दिमाग की सफल सर्जरी की गई और 2 दिन के बाद बच्चा पैदा हुआ। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रुपे क्रेडिट कार्ड को लेकर। बताया गया है कीवी की ओर से रुपे क्रेडिट कार्ड पेश किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री होगा। कीवी की वेबसाइट के मुताबिक एक और फायदा ये है कि अगर आप इसके जरिए स्कैन करके पे करेंगे तो आपको हर बार 1% का कैशबैक मिलेगा। आसान शब्दों में कहें तो आपको कहीं पर पैसा पे करने पर भी फायदा होगा। बाकी आप ज्यादा जानकारी के लिए कीवी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ठग सुकेश चंद्रशेखर को लेकर। बताया गया दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने बीते शनिवार को दिल्ली के LG यानी उपराज्यपाल को एक और चिट्ठी लिखी है। इसमें सुकेश ने कहा है कि उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के रिनोवेशन के लिए फर्नीचर भेजा था। उसने ये भी दावा किया है कि फर्नीचर को खुद दिल्ली के CM केजरीवाल और तब मंत्री रहे सत्येंद्र जैन ने चुना था। साथ ही सुकेश ने यह भी दावा किया है कि उसने फर्नीचर के फोटो व्हाट्सएप और फेस टाइम चैट के जरिए दोनों लोगों को सेंड किए थे, इसके बाद उन्होंने फर्नीचर चुना। सुकेश ने यह भी दावा किया है कि उसने केजरीवाल के घर के रिनोवेशन के लिए पैसे भी दिए हैं। उसने कहा है कि रिनोवेशन के लिए की गई खरीदारी की जांच की जानी चाहिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सेम सेक्स मैरिज को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक 70% डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशनल्स का मानना है कि समलैंगिकता एक डिसऑर्डर है। अगर सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता मिली तो ये समाज में और बढ़ेगा। दोस्तों शायद आप जानते होंगे अभी देश के सबसे बड़े कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई सेम सेक्स मैरिज को लेकर कि उसको भी मान्यता दी जाए, यानी कि जो लड़की से लड़की की शादी होती है या फिर जो लड़के से लड़की की शादी होती है। तो इसके बारे में 70% डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशनल्स का मानना है कि समलैंगिकता एक तरह का डिसऑर्डर है। अगर इस तरह की शादियों को कानूनी मान्यता दी जाती है तो ये समाज में और ज्यादा बढ़ेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है विराट कोहली को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक विराट कोहली IPL में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। वहीं आपको बता दें वो इस टूर्नामेंट में यानी कि IPL में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने के मामले में भी दूसरे नंबर पर हैं। कोहली IPL में 600 से ज्यादा चौके और 200 से ज्यादा छक्के लगा चुके हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार में मजार को हटाने को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक ज्वालापुर के आर्य नगर चौक के पास बनी मजार को बीते शुक्रवार को प्रशासन ने भारी हंगामे के बीच JCB से तोड़ दिया, जबकि सिंह द्वार के पास बने मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया। मजार तोड़ने की कार्रवाई का मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि कार्रवाई से पहले क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दी गई थी, जबकि यातायात को भी आर्य नगर चौक से डाइवर्ट कर दिया गया था। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो रोड के आसपास जो मजार और मंदिर बने थे उन दोनों ही को ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है खालिस्तानी कमांडो को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ की पाकिस्तान में जान ले ली गई है। अभी हाल ही में बीते शनिवार को 2 बाइक सवारों ने परमजीत सिंह पंजवड़ को जान से मार दिया। उसकी जान जाने की खबर सुनते ही तरनतारन में उसका परिवार शोक में डूब गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गूगल के वर्क स्पेस को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक टेक दिग्गज गूगल ने अपने AI टूल बॉट को गूगल वर्क स्पेस अकाउंट्स के लिए जारी कर दिया है। व्यक्तिगत गूगल अकाउंट वाले यूजर्स के लिए उपलब्ध किया गया था। हालांकि अब कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में इसकी घोषणा की है। दोस्तों आपको बता दें कि गूगल बॉट को OpenAI के ChatGPT के टक्कर में लाया गया है। इसे इसी साल फरवरी में पेश किया गया था और ChatGPT पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सलमान खान और शाहरुख खान को लेकर। बताया गया सलमान खान के फिल्म Tiger 3 में शाहरुख खान का एक जबरदस्त कैमियो होने वाला है। यानी कि Tiger 3 मूवी में शाहरुख खान थोड़ी देर के लिए नजर आएंगे, जैसे शाहरुख खान की पठान मूवी में सलमान खान थोड़ी देर के लिए नजर आए थे। इसे ही कैमियो रोल कहा जाता है। ऐसी खबर आ रही है कि फिल्म में सलमान और शाहरुख खान का एक भारी भरकम बजट वाला एक्शन सीक्वेंस होने जा रहा है। इस सीक्वेंस के लिए 35 करोड़ का एक सेट बनाया गया है। आसान शब्दों में कहें तो थोड़ी देर का जो एक सीन होगा सलमान व शाहरुख खान का Tiger 3 मूवी में 35 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन में ताजपोशी को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन के नए राजा किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला की ताजपोशी हो गई है। अभी हाल ही में बीते शनिवार 6 मई को लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे चर्च में 80 मिनट तक राजा रानी की ताजपोशी से जुड़ी रस्में चली। इसके बाद आर्च बिशप ने किंग चार्ल्स को और क्वीन कैमिला को ताज पहनाए। किंग चार्ल्स ने 1661 में बना सेंट एडवर्ड्स का ताज पहना, वहीं क्वीन ने जो ताज पहना उसमें कोहिनूर हीरा नहीं जड़ा हुआ था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है क्रिकेटर नीतीश राणा की पत्नी से छेड़छाड़ होने को लेकर। बताया गया कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान नीतीश राणा की पत्नी साची मरवाह का बीते शुक्रवार को दिल्ली में 2 बदमाशों ने पीछा किया। साची ने जब थाने में शिकायत की तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया और कहा कि अब तो आप घर पर सुरक्षित पहुंच गई हैं, अगली बार पीछा करने वालों की गाड़ी का नंबर नोट कर लीजिएगा। इस पर साची ने तंज कसते हुए कहा कि मोबाइल नंबर भी ले लूंगी। हालांकि बाद में मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस एक्टिव हुई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राष्ट्रपति के भाषण के दौरान 9 मिनट तक बिजली गुल रहने को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बरीपदा में बीते शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण के दौरान लाइट चली गई। हालांकि इसके बावजूद राष्ट्रपति ने अपना संबोधन जारी रखा। लाइट जाने पर भी माइक का सिस्टम काम कर रहा था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अफ्रीकी देश कांगो में भयंकर बाढ़ और भूस्खलन होने को लेकर। बताया गया
अफ्रीकी देश कांगो में 2 दिन से जारी भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो गया है। इन्हीं के कई जमीनें धस गई हैं और बाढ़ भी आ गई है। बताया गया है इसमें अब तक 170 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक। वहीं बताया गया है कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। साथ ही बताया गया है बाढ़ में कई स्कूल और अस्पताल भी बह गए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है महिला पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक पंजाब के लुधियाना में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के प्रोग्राम को कवर करने जा रही महिला पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पत्रकार का नाम भावना किशोर है और वो लुधियाना में मोहल्ला क्लिनिक की ओपनिंग से जुड़े कार्यक्रम को कवर करने जा रही थी। उसके दो साथियों मृत्युंजय कुमार और ड्राइवर परमिंदर सिंह पर भी कार्रवाई की गई है। इन तीनों पर अपनी गाड़ी से एक महिला को टक्कर मारने और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। इसी बीच लुधियाना पुलिस की ओर से कहा गया है कि गगन नामक महिला की शिकायत पर इन तीनों को पकड़ा गया है। हालांकि आपको बता दें पत्रकार को गिरफ्तार करने की वजह से जो पंजाब की पुलिस है वो काफी सारे सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रचार के आखिरी राउंड में पीएम मोदी लगातार 2 दिन से रैलियां कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में बीते शनिवार को पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का पंजा सरकारी पैसे खा जाता है, भाजपा इनकी ऐसी ही बीमारियों का परमानेंट इलाज करने के लिए आई है। वहीं दोस्तों अमित शाह को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में 4 दिन बाद जैसा कि अभी हमने आपको बताया 10 मई को वोटिंग होनी है। चुनाव कैंपेन के अंतिम समय में सभी दल मैदान में उतर चुके हैं। इसी बीच अमित शाह ने बीते शनिवार को वहां की जनता को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने कहा कि ये पार्टी यानी कि कांग्रेस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के एजेंडे पे चलती है, सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करती है। साथ ही में अमित शाह ने कहा कि अगर कर्नाटक में फिर से कांग्रेस की सरकार आती है तो किसानों पर गोलियां लाठियां ही चलेंगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जैसलमेर में 40 करोड़ की हेरोइन बरामद होने को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लगे इलाके में 11 किलो की हेरोइन जब्त की गई है। इसकी कीमत करीब 40 करोड़ बताई जा रही है। जैसलमेर में बीते शनिवार को यहां संयुक्त कार्रवाई क्राइम ब्रांच जयपुर CID और जैसलमेर गंगानगर पुलिस ने की है। इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बीजेपी पार्टी को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक जयपुर ब्लास्ट के दोषियों की रिहाई के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक मूड में आ गई है। 13 मई को जयपुर बीजेपी की ओर से शहर के 250 वार्ड में कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता वार्ड में बने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करके कांग्रेस सरकार की सद्बुद्धि की कामना करेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ अभियान की शुरुआत की जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है DU में समर इंटर्नशिप को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम या कह लें समर इंटर्नशिप स्कीम 2023 के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। कैंडिडेट्स बताए गए पैटर्न में लास्ट डेट के पहले फॉर्म भर सकते हैं। इस इंटर्नशिप के लिए सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 मई 2023 है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 2958 नए मरीज मिले हैं। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 6135 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। हालांकि इसी दौरान 14 लोगों की जान चली गई है देश भर में कोरोना के कारण। वहीं अगर बात की जाए एक्टिव केसों की तो अब अपने देश में एक्टिव केसों की संख्या 30041 हो गई है। वहीं दोस्तों अब कोरोना से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके मामले काफी तेजी से नीचे जा रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आज 7 मई 2023 के राशिफल को लेकर। तो आइए आपको राशि की जानकारी बताते हैं बिल्कुल ही इन शॉर्ट में। तो मेष राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं वृषभ राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज कानूनी मामलों को निपटाना अच्छा रहेगा। वहीं मिथुन राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज लाइफ में कोई बदलाव होगा। वहीं कर्क राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आमदनी के मामले में सामान्य दिन रहेगा। वहीं सिंह राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज मन थोड़ा उत्साहित रहेगा। वहीं कन्या राशि वालों को लेकर बताया गया है कि आज व्यापार में उन्नति होगी। वहीं तुला राशि वालों को लेकर बताया गया है कि पारिवारिक मामलों में समझदारी से काम करें। वहीं वृश्चिक राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज भावुक होने से आपको बचना है। वहीं धनु राशि वालों को लेकर बताया गया है कि कार्य क्षेत्र में यानी कि जहां पे आप काम करते हैं वहां कठिन समय रहेगा। वहीं मकर राशि वालों को लेकर बताया गया है कि आज आप मांगलिक कामों में शामिल होंगे। वहीं कुंभ राशि वालों को लेकर बताया गया है कि आज आपको आपकी गलतियों का एहसास होगा। वहीं मीन राशि वालों को लेकर बताया गया है कि आज किसी महत्वपूर्ण योजना की आज आप शुरुआत करेंगे। दोस्तों ये राशिफल की जानकारी NBT द्वारा दी गई थी टैरो कार्ड के अनुसार। बाकी राशिफल में कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं, इसी की वजह से हम आपको राशिफल की जानकारी केवल खबर के तौर पर बताते हैं। आस्था भरोसा विश्वास सब कुछ अपनी अपनी जगह है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 18 साल के युवाओं के लिए BSF में नौकरी निकलने को लेकर। बताया गया जो भी युवक 10वीं या 12वीं पास हैं तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन होने के बाद 81,000 रुपए तक सैलरी मिल सकती है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आपको BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।